देश में राहुल गांधी और प्रदेश में प्रियंका गांधी योगी और मोदी से लड़ते हुए कांग्रेस को मुख्य विपक्षी धारा में लाने का मीडिया रोज चर्चा कर रहा है। कई प्रियंका जी इतने खपा खौफ ज्यादा हो गया है कि ये क्या हो सकता माता मतलब प्रियंका जी को पूरा कवरेज देगा और मैं राहुल गांधी को इस मंच के माध्यम से विशेष धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो प्रेरणा सत्य जासूसी घोटाले में जो आरोप लगाए थे वो सुप्रीम कोर्ट के मांग निकले और क्या प्रियंका जी जिस तरीके से आगे बढ़ रही है मीडिया कवरेज भी मिल रहा है महिलाओं में भी लोकप्रिय हो रही है लेकिन संगठन के बारे में उस मीडिया ये भाई ये हाथी है इसको हम भुला कैसे पाएंगे जब तक संगठन धरात पर मजबूत नहीं होगा तो हम इसको सीटों में कन्वर्ट कैसे करेंगे ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इसके लिए हमारी बार कमेटी या बूथ कमेटी या मजबूत होना ब्लॉक कमेटी का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब मैं इसका संचालन पे आता हूँ अच्छा जी आप नाम सुझाया तो या मैं अपने बच्चे मैं सेवा दल के और आपको आमंत्रित करता हूँ अभी और का बच्चा पहले उठवा ही जाता है बोलिए बोलिए उठाओ हमारे वृंदावन नगर को वृंदावन कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूषण बिहारी पारिक की यूथ कांग्रेस और फ्रंटल के साथ पूर्व सांसद पूर्व पार्षद पूर्व सभासद और सभी जिला और शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और सम्मानित साथी ये आज इस कार्यक्रम के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं वो एक बड़ा चैलेंजिंग कार्यक्रम है और खासतौर से मंत्रा का इसलिए है कि पहले ये यात्रा आश्रम में समाप्त हो रही है हमने इसे मंत्रा के लिए जानकारी दे रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे मंत्रा अयोध्या और काशी है और यहाँ पर कांग्रेस ने बराबर भाजपा के ताबूत में ठोकी है तो अब भी गिल झुकनी चाहिए और माहौल बनना चाहिए तो इसलिए ये यात्रा जो है खासतौर पर यहाँ पे आ रही है और प्रियंका जी से आग्रह करने के बाद इस यात्रा को यह बुलाया गया है। ये यात्रा 23 तारीख से शुरू हुई जैसा कि हमारे मित्र साहब ने बताया कि ये 3 यात्राएं चल रही है एक तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की यात्रा जो कि सहारनपुर से शुरू हुई 23 तारीख को एक अयोध्या से शुरू हुई 23 तारीख को और एक बनारस से शुरू हुई 23 तारीख को तो तीनों यात्राएं 12 बजे अयोध्या 12 बजे और एक का नेतृत्व सलमान खुर्शीद साहब कर रहे केंद्रीय मंत्री एक का नेतृत्व प्रमोद तिवारी जी कर रहे हैं पूर्व सीएलपी लीडर एक का नेतृत्व कर रहे हैं पीएल पुनिया साहब और व्यापक समर्थन मिल रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि यात्राओं के दौरान प्रियंका जी ने अपनी 7 प्रतिज्ञा जिसमें की एक और जोड़ दी गई है ऐसी प्रतिज्ञा है जो हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद जिसका अनुपालन होगा तो व्यापक परिवर्तन आ जाएगा 40% टिकट महिलाओं को दिए जाने की घोषणा करी। दूसरी में उन्होंने कहा कि 12th तक पढ़ने वाली बेटियां जो है उनको स्मार्टफोन दिया जाएगा हर लड़की को और जो ग्रेजुएशन वाली है उसके अपर वाली होगी उनको इलेक्ट्रिकल स्कूटी। तीसरा किसानों का सारा कर्ज माफ कर दिया। चौथा बिजली के बिल हाफ कर दिए जाएंगे और जो कोरोना टाइम के बिल है वो पूरे माफ कर दिए जाएंगे। फिर उसके बाद 2500 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं का लेवल मूल्य MSP और धान का MSP 2500 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। गन्ने का MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस 400 रुपए प्रति क्विंटल दिया जाएगा। इसके बाद कोरोना पीड़ित हर परिवार को 25,000 रुपए दिए। इसके बाद 20 लाख युवाओं को रोजगार सरकारी नौकरियां दी जाएगी। जो दो तरह की कैटेगरी है जो संविदा पे लोग हैं उनको परमानेंट किया जाएगा और जो टेम्परेरी लगे हुए हैं उनको भी परमानेंट किया जाएगा। अभी एक लेटेस्ट प्रतिज्ञा जो 8 की छोड़ी गई है वो 10 लाख रुपए तक का मेडिकल सरकारी अस्पतालों में किसी तरह की बीमारी हो 10 लाख रुपए तक का
अधिकार सरकार पहन करेगी। तो इतनी जागृति वाली जो हमारी सरकार आती है तो वो है प्रतिज्ञा है, हम वचन निभाएंगे। ये आपका कैप्चर है और सात प्रतिज्ञाओं आठ प्रतिज्ञाओं में ये यात्रा चल रही है। आखिरी पड़ाव मथुरा है। मथुरा जिले में 31 तारीख की रात को 7 बजे आपके मथुरा कोटबंद आगरा बॉर्डर पर यात्रा आएगी, वहां स्वागत होना है। फिर उसके बाद फरेर का स्वागत होना है, फिर उसके बाद गोल के पास स्वागत होना है, फिर बरारी पे, फिर उसके बाद टाउनशिप पे स्वागत होना है। जब तक रात हो जाएगी फिर रात्रि विश्राम यात्रा वृंदावन पे करेगी, रात्रि भोजन वहां करेगी, उसके बाद सुबह ब्रेकफास्ट करके श्री माँ के बिहारी जी के मंदिर यात्रा जाएगी। माँ के बिहारी जी से उसके बाद बस वाले महात्मा गांधी जी की प्रतिमा जो गांधी पार्क में वृंदावन में है वहाँ एक छोटी जनसभा होगी और महात्मा गांधी की मूर्ति पर महासभा होगा। उसके बाद अटल्ला चुकी पे हमारे जो दो पार्षद हैं और हमारे अध्यक्ष जी हैं जोन से सिसोदिया जी है वहाँ पे एक छोटी संबोधन कराएंगे जनता का। उसके बाद ये मथुरा में प्रवेश करेगी। पहले मंदिर विधानसभा क्लोज होगी उसके बाद ये मथुरा शुरू हुआ और वृंदावन शुरू हुआ। तो मथुरा में पहले जयसिंह वहां पर ये बिरला मंदिर पर एक संबोधन होगा, स्वागत होगा जयसिंहपुरा पर संबोधन स्वागत होगा। उसके बाद अग्रसेन चौराहे पर मसानी पर भगवान अग्रसेन के भजन पूरा होगा। उसके बाद वो यात्रा जन्मभूमि के प्रसिद्ध जन्मभूमि के दर्शन करेगी क्योंकि ये ठेका खाली भारतीय जनता पार्टी के लोगों के पास भगवान सबके भगवान के दर्शन यात्रा माता के करेंगे। उसके बाद वहां से आने के बाद टी गेट पर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करके भारतीय सभा को संबोधित किया जाए। उसके बाद क्योंकि बस काफी बड़ी है उस बस से उधर के टाटा दो टाटा 407 होंगी, उसमें एक टाटा दोनों टाटा 407 पे क्योंकि 10 अंदर तो बस में बैठे हुए हैं उनमें से एक मैं भी हूँ, बीच में मैं यात्रा कर आया था, फिर आज यहाँ पे आ गया जी तो सुन के अपने से भी मैं अलीगढ़ चला जाऊंगा। तो 10 लोग उतरेंगे और टाटा 407 में और यहाँ के जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो जिला अध्यक्ष करेंगे वो टाटा 407 में रहेंगे, बाकी गाड़ियां चलेंगी और प्रमुख मंडी रामदास में घुसेगा वहां स्वागत होगा मंडी रामदास में। फिर उसके बाद चौक बाजार का संबोधन होगा, फिर उसके बाद एक पर पूछा गली में स्वागत होगा, उसके बाद चूड़ी वाली गली पर स्वामी घाट पे होगा, फिर उसके बाद द्वारकाधीश के दर्शन होंगे होंगे, फिर उसके बाद विश्राम घाट पे यमुना पूजन एक या तो प्रियंका जी का आने का हमने कोशिश करी है, प्रियंका जी आ जाएंगी तो जगह और यमुना जी का पूजन करेंगे, यदि नहीं आती है तो उसके बावजूद भी यमुना जी का पूजन सभी मेंबर्स करेंगे। उसके बाद छत्ता बाजार होते हुए होली गेट पे एक जनसभा होगी। उसके बाद आपके ये आपका चित्र शुरू हो जाता है हमारे बताया के और जैसे आर्य समाज रोड पे दो जगह स्वागत है कृष्णपुरी चौराहे पे और जनरल गेट पे। फिर उसके बाद समापन सदर बाजार में अध्यक्ष जी के नेतृत्व में एक जनसभा होगी और समापन हो जाएगी। तो इस तरह आखिरी पड़ाव इस यात्रा का मतलब है और हम सब लोगों को विशेष स्वागत करता है। आपसी मनभेद जो भी है उनको बुला के कांग्रेस की बात करें, इसमें सीनियर्स भी भाग लेंगे, जूनियर्स भी भाग लेंगे, बुजुर्ग भी भाग लेंगे, महिलाएं भी भाग लेंगी, जनता भी भाग लेंगी। जितनी से जितनी सहभागिता आप करेंगे उतना पार्टी का नाम होगा और पूरे देश का नाम होगा क्योंकि तो पूरे देश की मीडिया फोकस करेगी। तो मैंने आपको एक पूछाट बता दिया और इसके बाद जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष और हमारे सीनियर जितने भी लोग हैं यूथ कांग्रेस एलएसयूआई महिला कांग्रेस ये सब मिलके सब लोगों को बताएंगे और वहाँ के कार्यकर्ताओं को अवगत कराएंगे कि आप लोगों को किस तरह से स्वागत करना है और जगह जगह पुष्प वर्षा होगी। मेरी और महेश भाई की और जिला अध्यक्ष की रात को मीटिंग हुई थी, अब तत्कालिक हमारे झा साहब जी बैठे हुए हैं, तत्कालिक बैनर्स बन रहे हैं, पोस्टर्स बन रहे हैं और झंडे और सबकी तैयारी होकर 2 दिन के अंदर 31 तारीख को वो
उस स्वागत के इस्तेमाल के लिए, स्वागत के लिए उस यात्रा की हम सब लोगों को तैयार रहना है। ये इसी तरह से है कि जब बारात आती है लंबी के दरवाजे पर और बारात का स्वागत किया जाता है, तो उसी तरह से एक समझ लीजिए कांग्रेस की बारात आ रही है उसका। आज का मेन फोकस कांग्रेस के बारे में चर्चा कम, यात्रा के बारे में चर्चा ज्यादा है और हमें यात्रा के बारे में ही बात करनी है और शांतिपूर्वक तरीके से ये मीटिंग चलेगी। अभी हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष आ चुके हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब और प्रदेश के उपाध्यक्ष 2 बजे तक पहुंचेंगे और हमारे जो राष्ट्रीय सचिव है वो शाम तक आके चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।